हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर से। अब आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम में एग्रीकल्चर का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो जो एग्रीकल्चर का पहले ट्रेंड हुआ करता था, ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर, वो काफ़ी चेंज हो चुका है। और आज की डेट में जो मोमेंटम जा रहा है, वो पहले तो ऐसा होता था कि भैया आपने फसल बो दी और उसमें थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर सेंड और डाल दिए, लेकिन ख़त्म। आज की डेट में आप देखिए मल्टीपल टाइप की क्रॉप प्रोटेक्शन वाली टेक्निक्स आ गई हैं, उसके साथ साथ और आपका नॉर्मल जो खेती आप खेतों में बीज बो के एंड ऑल करते हो, लेकिन आजकल हाइड्रोपोनिक आ गया, एरोपोनिक आ गया। आप एक एनवायरनमेंट में गर्मियों के टाइम पे सर्दियों की फसल उगा सकते हो और सर्दियों के टाइम पे गर्मियों की फसल उगा सकते हो, वो सारे कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के साथ। इरिगेशन के टेक्निक्स चेंज हो चुकी है। इसराइल एक काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है जो कि एग्रीकल्चर के डायरेक्शन में बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। और क्यों नहीं, एग्रीकल्चर एक मेन ज़रूरत है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए ट्रेडिशनल वे से काम नहीं चल रहा, तो इसीलिए अब नई टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो आज मैं एक शेयर लेके जा रहा हूँ जो इस डायरेक्शन में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करता है और कमा भी रहा, अच्छी कमाई भी कर रहा। साथ में स्टॉक के अगर टेक्निकल लेवल पे देखा जाए तो गोल्डन क्रॉसओवर, जिसको हम बार बार कहते हैं, वो ऑलरेडी बन चुका है। तो आगे आने वाली गिरावट एक एंट्री का मौका हो सकती है इस शेयर में। फिलहाल बात करते हैं इस शेयर में छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर आप नए व्यूअर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि एक केमिकल सेक्टर का इसका शेयर, मैं इसको कहूँगा नॉट कम्प्लीटली केमिकल, क्योंकि फार्म इनपुट्स पे मेजरली काम करता है। चाहे आपका फर्टिलाइजर हो, चाहे आपकी क्रॉप प्रोटेक्शन की बात हो, चाहे आपके स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स हो या फिर ऑर्गेनिक कंपोस्ट। अब बात आती है स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। आज की डेट में आप जब देखोगे हाइड्रोपोनिक, हाइड्रोपोनिक में क्या होता है कि आपको वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मिला दिए जाते हैं उस पानी में, और सॉइललेस एग्रीकल्चर चल रही है, उस पानी में मिला दिए जाते हैं और सारी जो अपने आप ही प्लांट्स उसको फेच करते हैं, आपको कोई मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से ये है कोरोमंडल इंटरनेशनल। अगर आप इसके प्रोडक्ट्स को देखोगे, समझोगे, देखिए ये मल्टीपल काइंड ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स आपको देता है और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स देता है, जैसे कि स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स, सल्फर पेस्टलर्स, वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर। आज के डेट में आपने देखा होगा कि ड्रिप इरिगेशन हर जगह चलती है, तो ड्रिप इरिगेशन में जो आपका इरिगेशन का मेन टैंक होता है, वहीं पे सारा फर्टिलाइजर मिला दिया जाता है और वहीं से डायरेक्टली वो ड्रिप के थ्रू सप्लाई होता है, जैसे कि आपको ग्लूकोज की बोतल से ग्लूकोज चढ़ता है ना, वैसे ही। और इसके अलावा जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इन सब पे ये काम करता है। और नॉट ओनली इन इंडिया, ये एक्सपोर्ट, ये ग्लोबल लेवल पे काम करने वाली एक छोटी सी कंपनी है, मैं कहूँगा स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ जाती हुई ये कंपनी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पिछले साल इसको एक तगड़ा झटका लगा था, 2018 की जो बड़ी गिरावट थी, तो इसके शेयर में भी गिरावट आई, लेकिन अब रिवाइव कर चुका है, बढ़िया वैल्यूड शेयर है। अब वैल्यूड शेयर की हम बात करें तो देखिए 13,000-14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बुक वैल्यू 129 की बुक वैल्यू भी है। अब देखिए क्लियरली 129 की बुक वैल्यू है, 13,000-14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 470 के आसपास का प्राइस है। अभी देखिए प्राइस कुछ ही टाइम पहले ही ये जंप हुआ, अभी 2018 की गिरावट में ये काफ़ी नीचे आ चुका था, फिर भी आप पी रेशियो देखिए 16, हर 17 16.5 रुपये पर आपको 1 रुपये कमा के दे रहा है। अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छी है। अगर मैं बात करूं डेट की, तो कंपनी के ऊपर 1700 करोड़ का डेट भी है, ध्यान दें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, और अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 30% के आसपास की, तो बहुत ही बढ़िया। पीजी रेशियो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, अगर पिछला कुछ रिजल्ट्स इसके देखें तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अगर अभी सेप्टेम्बर क्वार्टर में एक बढ़िया रिजल्ट इसने दिखाया था, आप देखिए एक बहुत ही बेहतरीन तरफ से इसने देखिए सेल्स के नंबर दिए थे, ऑलमोस्ट 4800 करोड़ के आसपास, ऑल्दो सेप्टेम्बर 2018 के कंपेरिजन में थोड़ा कम थे, लेकिन फिर भी बढ़िया नंबर मैं कहूँगा। और जो प्रॉफिट था वो पिछले सितंबर में मात्र 366 करोड़ था, लेकिन इस बार ये प्रॉफिट 500 करोड़ के पार हुआ, और पहली बार ऐसा हुआ कि प्रॉफिट 500 करोड़ के पार हुआ पिछले 10-12 क्वार्टर की अगर आप डिटेल देखें। ओवरऑल प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए सेल्स के नंबर्स लगातार बढ़िया हैं, प्रॉफिट स्टार्टिंग में देखिए 500 करोड़ हुआ था, बीच में कमी जरूर आई थी, फिर से वापस देखिए इस बार ये प्रॉफिट बढ़ता बढ़ता 300 से 400 गया, 400 से 700, 720, 800 करोड़ के आसपास जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है इस शेयर के लिए, बहुत ही बेहतरीन।
यहीं तक नहीं रुकेंगे, आगे भी देखेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं इस स्टॉक की डिटेल्स, जैसे पीयर ग्रुप के शेयर देखा जाए तो केमिकल सेक्टर की कंपनी है, जैसे चंबल फर्टिलाइजर्स, GNFC, GSFC, ये सारे इसी ग्रुप के शेयर्स हैं। तो काफ़ी बढ़िया, ये कोरोमंडल इंटरनेशनल है। टेक्निकल लेवल पे इसमें मुझे गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिला, इसीलिए मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने को आया। अब मैंने इसकी पहले भी वीडियोज़ बना रखी थी, तो उन वीडियोस को देख के जो मैं आपको डेटा देखिए, फिर से जब ये स्टॉक जंप कर रहा था, यहाँ देखिए पहले इसमें गिरावट आई थी 25 जनवरी 2016 में, इसने लो बनाया था 152 का, और 152 का लो बनाने के बाद, जैसे मैं आपको बार बार गोल्डन क्रॉस की बात कहता हूँ, तो देखिए जब शेयर गिरता है तो उसका हमको पता नहीं होता कब रिवर्स होगा। रिवर्सल के ऑल दो बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, टेक्निकल पैटर्न्स होते हैं जो रिवर्सल के साइन को कंफर्म करते हैं, बट स्टिल देर इज ए रिस्क, स्टिल देर इज ए रिस्क जब तक कि स्टॉक अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को पार न कर दे। अब इस स्टॉक ने भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को पार किया, उसके बाद थोड़ा सा जो कंसोलिडेशन होता है वहाँ पे एंट्री का मौका होता है। सोचिए इस शेयर ने अपने जो लो बनाया था वो 150 के आसपास का बनाया था, और उसके बाद जो गोल्डन क्रॉसओवर इसको देखने को मिला है वो ऑलमोस्ट 213 पे। तो इस डायरेक्शन में आप एक प्रॉफिट का बड़ा चंक मिस करते हो, लेकिन फिर आपको एक अनसर्टेनिटी मतलब नहीं होती। अब आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने गोल्डन क्रॉसओवर आने के बाद जो कंसोलिडेशन हुआ था 215-220 के आसपास ये शेयर खरीदा, 215 के आसपास आप मान लेते क्योंकि यहाँ पे भी मौका मिला था, तो 215 पे आपने शेयर खरीदा और डेथ क्रॉसओवर वापस बना है, और ये डेट देखिए कब आपने खरीदा, मई 2016 में, और आपने डेथ क्रॉसओवर पे इसको बेचा और ये डेथ क्रॉसओवर बना है आपका मई 2018। 2 साल में आपने शेयर को खरीद के बेच दिया, कितने रुपये में, 215 में खरीदा हुआ शेयर आपने 450 में भेजा, तो डबल आपने अपने पैसे को 2 साल में किया कम से कम रिस्क के साथ। उसके बाद देखिए शेयर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2018 में जनवरी से लेकर लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली, और शेयर ने अपना 580 का पीक बनाने के बाद जो लो बनाया वो 340 के आसपास बनाया, और जब ये गिरावट में इसको रेजिस्टेंस मिल सपोर्ट मिल रहा था, वो सपोर्ट कहाँ पे मिला, मैंने पहले वीडियोज़ बनाए तो उसमें ड्रॉ किया था, ये एक रेंज थी, क्योंकि सपोर्ट की एक रेंज होती है। आप देखिए सपोर्ट एक लाइन कम बल्कि एक रेंज ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ। देखिए एक रेंज, 2 रेंज यहाँ पे बनाई गई थी सपोर्ट की, कि यहाँ पे मिलेगा, अगर यहाँ नहीं मिला तो नीचे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले सपोर्ट लेवल पे हमारा ये काम कर गया, और इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, ऊपर करने के बाद देखिए गोल्डन क्रॉस ओवर करने के बाद फिर से डेथ क्रॉस ओवर बना, फिर शेयर नीचे आया। जब नीचे आया था तो इमीडिएट सपोर्ट इसकी वही रेंज थी, यानी कि 335 से लेके 352-350 की यही रेंज थी, और उसी रेंज में इसने फिर से सपोर्ट लिया। कितना देखिए, कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया, और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, अगस्त 2019 की ये बात है। उस सपोर्ट को लेने के बाद सोचिए किसी ने अगर इस शेयर को इस सपोर्ट लेवल पर खरीदा होता, क्योंकि सपोर्ट लेवल पर भी बहुत खरीदारी होती है, इस चीज़ को ध्यान रखें। सपोर्ट लेवल पर एक साइकोलॉजी काम करती है कि स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट देगा तो बायर्स एकदम एक्टिव हो जाते हैं। सोचिए इस लेवल पर सपोर्ट आएगा करके आप और मैं देख रहे हैं, ऐसी बाकी दुनिया भी देख रही है, तो उन सपोर्ट्स पर बाइंग होती है, और इसी तरीके से वहाँ पर जब बायर्स एक्टिव हो जाते हैं तो शेयर में बड़ा जंप आता है, वो आपने इस कोरोमंडल इंटरनेशनल में देखा। अब देखिए शेयर वापस गया, और वापस जाते जाते देखिए किस तरीके से बार बार जंप लिया, कंसोलिडेशन हुआ, जिसको आप कहते हो फ्लैग पैटर्न, जंप लिया कंसोलिडेशन हुआ, इसको फ्लैग कहो या पेनेंट कहो, 1, 2, 3, 4 बार इस तरीके का पैटर्न बना बड़ा वाला, और शेयर बढ़ता बढ़ता अब ये 5वीं बार सेम पैटर्न बना रहा है, जंप लेके अप डाउन यहाँ पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि गोल्डन क्रॉस ओवर ऑलरेडी बन चुका है, गोल्डन क्रॉसओवर बनने के बाद ये शेयर ये मान के चले कि 500 रुपये से गिर के 450 रुपये के आसपास आ चुका है, थोड़ा सा ऊपर और हो गया है। देखिए गोल्डन क्रॉसओवर आप देख रहे हो कि बन चुका है क्लियरली, तो आगे की जो भी गिरावट इसमें आती है अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाए, जैसे 440 400 की रेंज में यहाँ पे अगर गलती से इस रेंज में आ जाए तो और भी बढ़िया मौका है 420 के आसपास, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो अब इस स्टॉक में ऐसा कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी है, रिस्क कम हो चुका है, और फिलहाल मुझे जो लगता है इमीडिएट जो रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, पहले तो ये जो रिसेंटली जो इसने ये पीक बनाया था 514 के आसपास, इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर उसके बाद ये जो टॉप का पीक था 580 के लेवल का, इस पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे इसको मिल सकता है। कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करी हमने, यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से सपोर्ट जो है वो काम करते हैं। अभी इसका फ्राइडे का अगर मैं कारोबार देखूँ तो बढ़िया डिलीवरी देखने को मिली है 72% की। उसके अलावा इसमें बड़े शेयर होल्डर देखिए, ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, L&T म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पलन फंड, कोटैक इक्विटी हाइब्रिड, तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फंड हाउसेस ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ, मतलब फंड हाउसेस की नज़र में भी ये बढ़िया शेयर है। साथ में मेजर प्रमोटर जो है वो कौन है, वो EID पैरी इंडिया लिमिटेड है मेजर प्रमोटर इसका। और बात करते हैं कुछ डिविडेंड की, हाँ साल में 2 बार डिविडेंड देते हैं, 1 जनवरी में, 1 अप्रैल में, और उसके अलावा
इस शेयर में जो हमारे पास है, इसने 2 बार बोनस दिया, बहुत पुराना बोनस दिया, लेटेस्ट कोई बोनस नहीं है। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। ये एक छुपा रुस्तम शेयर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, कोरोमंडल इंटरनेशनल। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपकी अपनी राय स्टॉक के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।